अभी अभी टेली प्राइम नया नया आया है, और टेली प्राइम 4.0 में एक नया फीचर आया है, और टेली प्राइम के हम आज कुछ टिप्स देखने वाले हैं और ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिसे आप अपना जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर सकते हैं, और ऐसे ट्रिप से आपका काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हर्षिका अकाउंटिंग में स्वागत है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि टेली प्राइम की कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं, और शायद से आपको ये वाले जो ट्रिक्स है वो पता नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टेली प्राइम ओपन कर देती हूँ। आपने बहुत बार ये से सोचा होगा कि हमारे पास दो कंपनी अगर होती है तो हमको दूसरी कंपनी में जो डेटा लाना होता है एक कंपनी का, या तो हमारी वो कंपनी सेम होती है, या तो हमको कंपेरिजन करनी होती है, या कुछ भी। तो हम दो कंपनी का डेटा को एक साथ कैसे देख सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरी एक कंपनी यहाँ पर ओपन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक कंपनी डेमो करके खुली हुई है, और इसके साथ साथ मैं अभी एक दूसरी कंपनी भी यहाँ पर ओपन कर रही हूँ डेमो टिप करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि मेरी दो कंपनी यहाँ पर ओपन करी हुई है, और मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मेरी कौन सी कंपनी में कौन सा डेटा जो है वो है। तो मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले डेमो टिप करके कंपनी यहाँ पर ओपन है। तो मैं यहाँ पर अल्टर वाले ऑप्शन में जाकर लेजर में बता देती हूँ, मेरे यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। ये जो पहले से बना हुआ मिलता है हमको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये मेरा बना हुआ है, और बाकी कोई भी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, यानी कि ये कंपनी जो है वो पूरी की पूरी खाली है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी कंपनी डेमो करके कंपनी बनी हुई है उसमें बता देती हूँ कि कौन सा डेटा है। तो यहाँ पर से मैंने कंपनी वाले ऑप्शन में जाके डेमो पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अल्टर में जाके आपको लेज़र बता देती हूँ कि बहुत सारे लेज़र यहाँ पर मेरे बने हुए हैं, और साथ में बहुत सारी एंट्रीज भी मेरी यहाँ पर करी हुई है सेल्स में। तो आपने देखा कि दो कंपनी में से डेमो कंपनी में मेरा डेटा है, और डेमो टिप्स करके जो कंपनी है उसमें मेरा कोई भी डेटा नहीं है। तो मेरे को डेमो कंपनी का कोई एक लेज़र है जिसको मेरे को डेमो टिप में भी क्रिएट करना है। तो मैं डेमो कंपनी से बिना एक्सपोर्ट किए कैसे, और डेमो टिप्स कंपनी में कैसे बिना इंपोर्ट किए ला सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं डेमो कंपनी में आ गई हूँ, और गेटवे ऑफ टेली में अल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेजर पर जाके एक पार्टी खोलूँगी, आप देख सकते हैं आगम प्रोविजन स्टोर करके, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल है कि आगम प्रोविजन स्टोर नाम है, सन्ड्री डेटर्स इसका जो ग्रुप है वो होता है, और इसका जो एड्रेस है ये सारी डिटेल है, और इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी है। तो ये पूरा लेज़र मेरे को सेम डेमो टिप कंपनी में भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेमो टिप्स कंपनी में बिना क्रिएट किए यहाँ से मैं कंपनी वाले ऑप्शन में जाके डेमो टिप्स कंपनी खोल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा यही वाला लेज़र है जो डेमो कंपनी में था, खोल के मैंने रखा था, और डेमो टिप्स कंपनी खोली तो वही लेज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डेमो टिप कंपनी में, यानी कि मेरा जो लेज़र डेमो कंपनी में खुला हुआ था वो डेमो टिप्स कंपनी में मैंने जाके सेव कर दिया, यानी कि वो डेमो कंपनी में भी मेरा लेज़र बना हुआ है, और डेमो टिप्स वाली कंपनी में भी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डेमो टिप्स वाले कंपनी में जाके बता देती हूँ कि मेरा वो जो लेज़र है वो आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आगम प्रोविजन स्टोर करके जो है वो यहाँ पर लेज़र आ गया है। तो ऐसे ही अगर आप ये वाला जो आगम प्रोविजन स्टोर का लेज़र बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए सारी डिटेल्स लिखने में, लेकिन आपने एक ही क्लिक में दूसरी कंपनी से कैसे इस कंपनी में बिना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए लेज़र हमने बना दिया और कॉपी कर दिया, देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप
लेज़र किया है ऐसे ही, आप बहुत सारे लेज़र का करना हो तभी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अल्टर यहाँ पर F3 करके कंपनी सिलेक्ट कर देती हूँ, डेमो कंपनी, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आके लेज़र सिलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सन्ड्री डेटर्स मेरे बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर मल्टी मास्टर्स में जाऊंगी, साइड में आपको कॉलम में दिख जाएगा, और मल्टी अल्टर पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर ऑल लाइट, यहाँ पर मेरे को सन्ड्री डेटर्स है उसको जो है वो अल्टर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो डेमो कंपनी है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डेमो कंपनी खुला हुआ है, और डेमो टिप वाली कंपनी में मेरा कोई भी डेटा नहीं था, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, F3 में कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। राइट साइड में आपको सेकेंड नंबर का यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ जो ऑप्शन है F3 वाला, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से आपको डेमो टिप जिस कंपनी में भी आपको लेज़र ट्रांसफ़र करने हैं यानी कि कॉपी करने हैं वो हम सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन डेमो टिप कंपनी में ये वाला जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, और यहाँ आप इसको सेव कर देंगे तो आपका जो डेमो कंपनी में डेटा था वो डेमो टिप्स वाले में आ जाएगा। यानी कि ये विंडो का जो सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट है वो सारी डेमो टिप्स वाली कंपनी में भी आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में। तो दूसरा ट्रिक ये है कि हमने जो पहले ट्रिक पे देखा था, ऐसे ही आप कोई भी लेज़र हो यानी कि सेल्स की एंट्री हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मेरा सेल्स की एक एंट्री आगम प्रोविजन स्टोर करके हमने जो लेज़र कॉपी किया है तो उसका एक सेल्स का एंट्री हम डेमो टिप कंपनी में भी कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे आगम प्रोविजन स्टोर में ये वाली एंट्री है जो डेमो कंपनी में बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर पहले की तरह F3 दबाऊंगी तो यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, और मैं यहाँ पर डेमो टिप कंपनी को ओपन कर दूंगी। यानी कि ये वाला जो लेज़र है वो डेमो टिप्स वाली कंपनी में ओपन हो गया है। तो आप इसको भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी टिप्स जिसमें आप अपना जो लेज़र है और जो एंट्री है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे कॉपी कर सकते हैं। अब हम तीसरी ट्रिक के बारे में देखेंगे कि आप कैसे दो कंपनी का जो डेटा है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आके सेल्स अकाउंट में आ जाऊँगी, यानी कि मेरे को अपनी सेल्स की कंपेरिजन परचेस से करनी है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में एक ऑप्शन देख सकते हैं न्यू कॉलम करके, तो आप कंट्रोल सी अल्टर सी दबा के न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पहले कंपनी सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी कंपनी का डेटा कंपेयर करना है। तो मुझे डेमो कंपनी का सेल्स डेमो कंपनी की परचेस से कंपैरिजन करना है, तो मैं कंपनी वही सिलेक्ट करूँगी जो मेरी अभी ओपन है। और यहाँ पर मैं डेट पूछ रहा है कि कब से आपको डेटा का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर मैं पूरे साल का कंपैरिजन करना चाहती हूँ, तो 1 अप्रैल 2023 रखा है। और वैल्यू क्या शो करनी है तो आप वहाँ पर भी एक्चुअल लगा सकते हैं, या तो आपको जो भी वैल्यू देखनी है वो देख सकते हैं। और नेम ऑफ लेज़र में आप वो वाला लेज़र सिलेक्ट करें जिसका आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने सेल्स का लेज़र खोला हुआ था, और यहाँ पर मैं परचेस का जो डिटेल है वो देखना चाहती हूँ यानी कंपैरिजन करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर परचेस सिलेक्ट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे दो कॉलम बन चुके हैं, एक है सेल्स करके और दूसरा है परचेस करके, और कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं कि नीचे डेमो लिखा हुआ है, यानी कि मेरी सेम कंपनी का जो सेल्स और परचेस का मेरे को कंपैरिजन करना है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से देख भी सकती हूँ कि मेरा मंथली कितना सेल हुआ है, कौन से मंथ में, और कितना कितना मेरा परचेस हुआ है, राइट। तो ये भी एक तीसरी नंबर की ट्रिक थी। ये तो हमने देखा कि हम एक ही कंपनी का डेटा दो लेज़र को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मैंने सेल्स और परचेस का कंपेरिजन करा है। अब आप यहाँ पर दो कंपनी का अगर डेटा कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आके सेल्स अपना ओपन कर दिया है, और
यहाँ पर फिर से हम अल्टर सी करेंगे, यानी कि न्यू कॉलम को ऐड करेंगे, और फिर कंपनी सिलेक्ट करेंगे डेमो टिप्स, यानी कि मेरे को डेमो कंपनी का डेटा डेमो टिप्स कंपनी के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं लेजर सिलेक्ट करूँगी कि कौन सा डेटा मेरे को सिलेक्ट करना है। तो मेरे को यहाँ पर डेमो कंपनी का जो सेल्स है वो डेमो टिप्स कंपनी के सेल्स के साथ कंपेरिजन करना है। तो मैं यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ डेमो कंपनी का सेल्स का जो डेटा है वो इस वाले कॉलम में आ गया है, और यहाँ पर डेमो टिप्स वाली कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डेमो कंपनी का हमारा सेल्स कितना हुआ है और डेमो टिप्स कंपनी का सेल्स कितना हुआ है। तो ऐसे करके आप दो कंपनी का डाटा का कंपेरिजन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। साथ में आपको एक ही कंपनी के दो लेजर का कंपेरिजन करने हो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो टेली प्राइम का नया फीचर आया है उससे आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप यहाँ पर एक लेज़र को दूसरी कंपनी के लेज़र में कैसे कॉपी कर सकते हैं, और साथ में कैसे आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में बिना इनपुट किए ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हर्षिका अकाउंटिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, और यहाँ पर हमने बहुत सारे टेली प्राइम के न्यू न्यू वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको सेल्स की एंट्री जो है वो एक्सेल से टेली प्राइम में कैसे इंपोर्ट करनी है। तो इसमें भी आपको 500 लेज़र है जो आपको टेम्पलेट मैपिंग होता है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो लेज़र का भी मेरे को मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि लेज़र को आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से टेली में। तो टेली प्राइम के बहुत सारे न्यू फीचर आए हैं। तो अगर आपके पास टेली प्राइम के 3.0 के जो बाद के जो भी वर्जन है उस सब में ये वाले फीचर आ चुके हैं तो आप बहुत सारा जो काम है वो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, और ये वाला फीचर और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपना काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वाले जो वीडियो का मैंने आपको सजेशन किया है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारी चैनल में जुड़े रहे, और हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन आप कर सकते हैं।